वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइनपुर में। माय नेम इज शिवानी मिश्रा। आज हम बताएंगे बैक ब्लाउज डिजाइन जो बहुत ही लेटेस्ट और न्यू डिजाइन आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको डिजाइन अच्छे तरीके समझ में आएगी। तो देख लीजिए, मैंने ब्लाउज को कट कर लिया है। इसकी लेंथ जो मैंने रखी है 13.5 इंच है और गले की हम साइज लेते हैं तो गले की जो मैं लंबाई रख रही हूँ देख लीजिए 9.5 इंच है। यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। अब गले की 3 इंच की चौड़ाई पर मार्किंग कर लेते हैं और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए मैं दोनों जगह से मार्क कर लिया है। अब इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे जहाँ से हमने मार्किंग किया है। पूरा अच्छे तरीके से लाइन बना लिए हैं देख लीजिए मैंने। अब गले की हम जो डिज़ाइन जिसको बनाने वाले हैं उसकी मार्किंग करेंगे। तो मुझे वी नेक में मार्किंग डिज़ाइन बनाना है तो वी नेक का देखिए मैंने मार्क कर लिया है। अब इसी मार्किंग पे हम कट कर लेंगे गले को। अब थोड़ा सा देखिए मैंने छोड़ दिया है 1.5 इंच के हिसाब से। आप भी 1.5 इंच छोड़ दीजिएगा गले को, अस्तर तमत किट कट कीजिएगा। अब हम ब्लाउज का कपड़ा लिए हैं और इसका भी गला वैसे ही कट करेंगे जैसे मैंने अस्तर का कट किया है। इसका भी हम कट कर लेते हैं और 1.5 इंच के हिसाब से हम छोड़ देंगे ब्लाउज के कपड़ा का भी देख लीजिए। अब हम दोनों को अच्छे तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। पहले हम बराबर हम बिल्कुल फैला लेंगे। देखिए मैंने पूरा बराबर कर लिया है अस्तर को। अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें गले को स्टिच कर रहा है तो बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा और गले को स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम देखिए, तो देख लीजिए इस साइड से मैं 1 इंच कपड़ा जो है छोड़ रही हूँ गले के साइड से, क्योंकि हमें जो है डिज़ाइन बीच में बनाना है। अब दूसरे साइड से आधा इंच सिर्फ हम स्टिच करेंगे। तो आधा इंच कपड़ा हम बीच में छोड़ते जाएंगे और इसके बाद सिलाई लगा लेंगे। तो इससे हमारा बीच का जो गैपिंग है वो 1.5 इंच आ जाएगा। तो ऐसे ही आप भी स्टिच कर लीजिएगा। देखिए मैंने स्टिच कर लिया है गले को। हम कट्स लगा लेंगे जिससे जब इसे उलट कर सीधा करेंगे तो इसका शेप एंड साइज बिल्कुल हमारे डिज़ाइन जिससे हमने कटिंग किया वैसा आएगा। तो हम पूरा कट्स लगा लेंगे गले पर। ये देख लीजिए मेरा गले मैंने पूरा कट्स लगा लिया। अब इसको उलट कर सीधा कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पूरा उलट से अच्छे तरीके से उलट कर सीधा कर लिया है। अब इसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं जिससे हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और हमें सिलने में भी आसानी होगी। तब ये देखिए मेरी सिलाई जो है कंप्लीट हो चुकी है गले की। अब इसकी हम ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे तरीके से अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए हम इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। हम गले के साइड से भी ज्वाइंट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक एक जो निकाल दीजिएगा। ये देखिए मेरी स्टिचिंग कंप्लीट है। इसको हम एक साइड कर लेंगे। अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने एक चौड़ी सी पट्टी ली है। अब इसको हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। इसकी चौड़ाई जो मैंने रखी है वो 1.5 इंच है। 1.5 इंच की चौड़ाई पर ले लीजिएगा पट्टी का। 1.5 इंच ना हो तो भी 1.2 इंच पे जरूर रखिएगा। देखिए मैंने इसे उलट कर सीधा कर लिया है। अब इसकी हम साइज करके इसको ले लेंगे। तो 2 इंच की लंबाई पे लीजिएगा क्योंकि आपको स्टिचिंग में भी डालना है इसको। दो या 2.5 इंच की लंबाई पर ले लीजिएगा क्योंकि सिलाई में भी हमें इसे यूज करना है। तो अब इस बीच से हम इसे स्टिच बना लेंगे बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन। तो बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन कैसे बनेगा वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा होगा। सेम ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। एक और हम आपको बनाकर दिखा देते हैं इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब
से हम खींच कर बीच में धागा लपेट देंगे, जिससे थोड़ा धागा मोटा दिखने लगे और ये अच्छा भी दिखता है। इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ इसको। इसको मनी से भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए मैंने कुछ बना लिए, इसी तरीके से मैंने बहुत सारे बनाए हुए जितने में डिज़ाइन यूज़ करने हैं ब्लाउज़ में। तो हम ब्लाउज़ अब ले लेते हैं, और इसके देखिए बीच में मैंने जो डिज़ाइन बनाते हुए गैपिंग किया था उसमें हम इसे स्टिच डालकर स्टिच कर देंगे। तो किस तरीके से हमें इसे ज्वाइंट करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैंने राउंड कट कर लिया है। अब इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो नीचे के साइड से पहले स्टिच कर लीजिएगा। अब नीचे के साइड से देखिए मेरा स्टिच हो चुका, मैंने ज्वाइंट कर लिया। ऊपर के साइड से भी ज्वाइंट कर देंगे इसको। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने ज्वाइंट कर लिया। अब इसको हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टिच करेंगे। तो मैं देखिए अब डिज़ाइन वाला ले लेती हूँ, और इसको दोनों साइड से बराबर करते हुए हम स्टिच कर लेते हैं सबको। तो किस तरीके से ब्लाउज के साथ इसे अटैच किया जाएगा वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिज़ाइन बता रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ये डिज़ाइन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मेरी डिज़ाइन जो है, कुछ और मैं स्टिच कर लूँ तो एक साइड से मेरा कम्प्लीट हो जाएगा। ये देखिए एक साइड से मैंने स्टिच कर लिया, दूसरे साइड से बिल्कुल बराबर करते हो हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो बिल्कुल बराबर करते हो, सही करते हो, मिलाते हुए स्टिच कीजिएगा, जिससे डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब ना दिखे। अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो ये डिज़ाइन जो है थोड़ा अगर गैपिंग आ गया बीच में तो अच्छा नहीं दिखेगा। मेरा देखिए कहीं से गैपिंग नहीं है, ये डिज़ाइन मेरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसीलिए हम दूसरे साइड से भी ऐसा ही स्टिच कर लेंगे जिस तरीके से साइड किया है। तो देखिए मेरे दोनों साइड से बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम गले का इसकी स्टिच बनाएंगे। तो गले के लिए देखिए मैं मार्किंग कर लेती हूँ। आधा इंच का जो है देखिए मैंने छोड़ा हुआ है कपड़ा, आधा इंच आप भी छोड़ लीजिएगा। हम कट करके निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा हमारा गले का कपड़ा था। अब हम इस गले को एक बार स्टिचिंग कर लेते हैं। अब इसका जो हम पाइपन बनाएंगे, तो ये हमें चौड़ी वाली पट्टी वाली पाइपन बनाने हैं, तो उसके लिए हम अस्तर ले लेते हैं, अस्तर का कपड़ा। इसको मैंने तिरछे में कट किया है कपड़े को। अब हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने इसे सीधे साइड से स्टिच कर रही हूँ। इस तरीके से आप भी आगे की साइड से जो सीधा हमारा कपड़ा है उस साइड से स्टिच कर लीजिएगा। फिर इसे नीचे उलट कर हम इसे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मेरा गले भी मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब हम कट्स लगा लेंगे। तो मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब इसको हम नीचे के जो हमारा अस्तर कपड़ा है उसको ऊपर के साइड करके एक सिलाई लगा के स्टिच कर लेते हैं। सबसे पहले हम आगे की साइड से स्टिच करेंगे। एक पतली सिलाई लगा लेते हैं आगे की साइड। ये देखिए मैंने गले के एक साइड से सिलाई लगा लिया अच्छे तरीके से। अब इसे उलट कर सीधा करते हैं, और एक सिलाई हम दूसरे साइड से लगा लेंगे। तो अस्तर कपड़ा बिल्कुल ज्वाइंट हो जाएगा। तो देखिए मैं दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ज्वाइंट कर लिया है, और ये मेरी डिज़ाइन जो है बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है। अब नीचे के साइड से थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। सबसे पहले हम ट्रक्स लगा लेते हैं यहाँ पे। दोनों साइड से हम ट्रक्स की सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए एक साइड से मेरा लग चुका है, ये दूसरा साइड का है उसको हम बना लेते हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइड से ट्रक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब हम नीचे के साइड इसको स्टिच करके उलट देंगे और इसको हम परफेक्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, इसको हम पहले स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से हम लॉकिंग कर लेंगे, हमारा नीचे का जो है वो बन जाएगा। तो हम इसको देखिए डबल सिलाई कर लेंगे, इससे हमारा जब नीचे के साइड से लॉक करके बनाने लगेंगे तो हमारा परफेक्ट आएगा, इसलिए मैंने डबल सिलाई कर ली है।
अब डबल फोल्ड करके हम नीचे के साइड से पट्टी बना लेंगे इसका। तो ये देख लीजिए मेरी पट्टी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन के लिए हम लैस लेग यूज़ करेंगे। तो मैं लैस ले लेती हूँ, इसको स्टिच कर देती हूँ डिज़ाइन पर, सॉरी ब्लाउज़ पर। किस तरीके से मैं लैस लगा रही हूँ वीडियो आप क्लियर दिख रहा होगा, आप भी लैस लगा लीजिएगा इसी तरीके से। ये देख लीजिए मेरी लैस जो ये लग चुकी है मेरे ब्लाउज पे, मेरी ब्लाउज डिज़ाइन जो ये बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको मेरी ये वाली डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और मेरे ऐसे डिज़ाइनर ब्लाउज या ड्रेस को परचेज करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आई डिज़ाइन फॉर डबल टू को फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मेरी आईडी पे जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।